ये फिर आ गया भाई, ये पीछे ही नहीं छोड़ रहे। चल मेरी बटरफ्लाई सही दिन। ओ भाई कब्र बनी है यार, क्या तू तो मैंने देखा ही नहीं था भाई। ये निकलेगी, ये कहाँ निकलेगी? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये खड़ी अपनी बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई को लेके अपन आज चलते हैं बालाघाट की सबसे पॉपुलर रोड डेंजर रोड की तरफ में। ओके, तो आपको रास्ते का व्यू भी मैं दिखाऊंगा, थोड़ा रास्ते के बारे में, शहर के बारे में भी आपको मैं जानकारी देते रहूँगा। और ये मेरा घर है ना यहाँ से, तो ये वाली जो रोड है ये जाती है कान्हा की तरफ और अपन चलते हैं डेंजर रोड की तरफ। लेट्स गो। और यहाँ मेरे घर से निकलते ही ना थोड़े से दूर में ही ना बस स्टैंड है। अभी ये जिस रोड पे ना, ये बैयर रोड, और मेरे घर से तो यार ऑलमोस्ट सब चीज़ें पास ही पास में, तो ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होती है। और आई होप आपको वॉइस भी अच्छी आ रही होगी। इस बहाने रोड के माइक का टेस्ट भी जाएगा और मेरी फर्स्ट मोटो व्लॉगिंग है। तो बहुत से मेरे भाई लोग थे मेरे शहर के जो चाह रहे थे कि मैं डेंजर रोड का व्लॉग शूट करूँ, तो आज मैं निकल गया हूँ डेंजर रोड का व्लॉग शूट करने के लिए। और ये पहुँच गए अपन रानी अवंती बाई चौक, और ये है पूरा अपना बस स्टैंड। अंदर साइड में किसी दिन बस स्टैंड का भी अपन बना लेंगे पूरा। और आज अपन जिस रोड पे जा रहे हैं ना यार, डेंजर रोड पे, मतलब काफ़ी फेमस रोड थी बालाघाट की ये पहले, लोग काफ़ी डरते थे जाने के लिए। अब हालांकि आपको आगे चल के मैं दिखाता हूँ डेंजर रोड। यू टर्न ले लेते हैं, चलते हैं। आगे पीछे यहाँ कोई नहीं देखता भाई। और हेलमेट, हेलमेट लगे हुए अभी तो मुझे आज लोग दिख रहे हैं, आई डोंट नो कैसे। एक अंकल सामने जा रहे हैं और एक उसके आगे, उनने भी हेलमेट लगाए। बाकी ओ भाई इनने भी हेलमेट लगाए। ये तो रिकॉर्ड ब्रेक हो गया मतलब शहर में। मैंने चाह रहा था ना कि मतलब मैं आप लोगों को बताऊँ कि हमारे शहर में ज़्यादातर हेलमेट कोई लगा के निकलता ही नहीं है। बहुत रेयर टाइम में ऐसा होता है कि लोग हेलमेट लगा कर निकले। आ गए अपन जयस्थम। हेलमेट वाला कोई रोल कॉल नहीं भाई, और कहीं से भी अभी आपने देखे ना ये कैसे निकला भाई ना, इसने पीछे तक नहीं देखा होगा एक बार और निकल गया है। तो काफ़ी घातक राइडर यहाँ पे रहते हैं बालाघाट में जो ड्राइव करते हैं। और आज तो सब हेलमेट ही हेलमेट वाले दिख रहे हैं यार। मतलब आज के व्लॉग का थंबनेल ही हेलमेट रख दूँ क्या मैं? और यार गाइस, अगर आप लोगों के आसपास में कोई अच्छी लोकेशन होगी ना, मतलब जैसे मैं बालाघाट में रहता हूँ, तो बालाघाट के आसपास के लोग जो मेरा व्लॉग देख रहे होंगे और उनके घर के आसपास में अगर कोई अच्छी लोकेशन होगी तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करना, तो मैं एक दिन वहाँ ज़रूर आऊँगा। ये हमारे बालाघाट का पुलिस लाइन, अंदर तक काफ़ी फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा है। मतलब यार बालाघाट के आसपास ना, मतलब इतनी सुंदर सुंदर जगह है ना घूमने की, जिसकी हद नहीं। बट वही था कि यार मोटर व्लॉगिंग का सेटअप नहीं था, तो उस कारण से अपन जा रहे थे जगह पे बट प्रॉपर आप लोगों को दिखा नहीं पाते। और ग्रीनरी आप लोग देख सकते हैं शहर में, हर मतलब हर शहर के आउटर में ना ग्रीनरी चालू हो जाती है हर तरफ, तो हर जगह ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है। ये रेंजर कॉलेज, एक दिन इसके अंदर का पूरा व्लॉग शूट करेंगे। काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है रेंजर कॉलेज। जितने भी शाम को इवनिंग वॉक करने वाले हों या मॉर्निंग वॉक करने वाले हों, वो यहाँ ज़रूर आते हैं। और ये कलेक्ट्रेट बंगला, और ये पहुँच गए हम कालीपाट। हर शनिवार को मैं यहाँ पे आता हूँ कालीपाट में माता की पूजा करने के लिए। एवरी सैटरडे शाम को आता हूँ मैं। और अभी मैं आपको जहाँ ले जाऊँगा ना, वो तो मतलब अलग ही हो जाएगा यार। मतलब वो व्यू जो है ना, वो एकदम अलग लेवल का हो जाएगा, नेक्स्ट लेवल का। लो भाई यहाँ पे हो गया है फाटक बंद, ट्रेन आने वाली है। हालांकि तो अपने को इस साइड से जाना था, बट ज़्यादातर लोग रॉन्ग साइड चले जाते हैं। बट अपन नियम का पालन करेंगे, अपन उनमें से नहीं है जो नियम तोड़े। यहाँ तो कुछ नहीं यार, ये तो मतलब ओ भाई जाते से ही जाम भी खुल गया। यहाँ तो कुछ नहीं यार, आजू बाजू जो जाम लगता है ना काफ़ी बड़ा लगता है। और एक और R15। चलो लेट्स गो। ट्रैफिक की तो बात मत करो भाई, मतलब बालाघाट से बाहर निकलना है तो चारों तरफ ये रेलवे फाटक जो बने हुए ना, हालांकि अभी ओवरब्रिज का काम स्टार्ट होने वाला है, बट आई डोंट नो कितने दिन में होगा, कब होगा, बट जब तक तो ये सब चीज़ों से जूझना है यार। और ट्रैफिक देखो अब कितना लंबा लगा हुआ है जाम, हालांकि क्लियर भी हो जाता है बट फिर भी पब्लिक को फेस तो करना पड़ता है। और आप लोगों ने एक चीज़ देखे होगी ना, जैसे ही फाटक उठता है तो सब लोग ऐसे हड़बड़ी में निकलते हैं, जैसे बाप रे सबको ही अर्जेंट काम हो। हालांकि उनमें से कुछ परसेंट लोगों को तो अर्जेंट काम होते होंगे, बट सबको तो नहीं होते होंगे। बट लोग ऐसे निकलते हैं भीड़ से जिसकी हद नहीं। और यार ये जो एरिया ना, ये जाता है शिव मंदिर की तरफ, यहाँ से छोटा पुल, तीन पुल है,
बट अभी अपना मेन फोकस है डेंजर रूट। मैं सब पूरा एरिया जितने ना आजू बाजू के आप सब कवर कराऊंगा, सब बहुत अच्छे एरियाज हैं पता है यहाँ पे घूमने के लिए, बाइक राइडिंग के लिए, घूमने के लिए तो काफ़ी अच्छा है। कोई आपको दिख रहा है हेलमेट लगाया हुआ बताना मुझे कमेंट करके, अगर कोई आजू बाजू गया हो मेरी नज़र से छूट गया हो तो। ये भैया एक दिख गए। सो गाइस फाइनली अपन पहुँच गए हैं डेंजर रोड। ग्रीनरी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है। कहाँ से आ रहे भाई, और डेंजर रोड के बारे में ना मैं आपको थोड़ा आगे में बताऊंगा जैसे डेंजर रोड में घुसेंगे। तो ये डेंजर रोड, यहाँ से आगे अपन डेंजर रोड। हालांकि यार ये पहले जो रोड थी ना ये पूरी कच्ची रोड हुआ करती थी, और यहाँ पे कोई भी मतलब पहले बता रहा हूँ मैं आज से 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। इधर से देख सकते हो आप, ये पूरी नदी का है, ये छोटा पुल है, वो बड़ा पुल है, काफ़ी सारे पुल है। और ये जो एरिया ना डेंजर रोड जिसके बारे में आपको बता रहा था, डेंजर रोड के बारे में, तो पहले यार ये क्या था, पूरा कच्चा रोड था आज से 15 साल पहले, और रोड इतनी डेवलप भी नहीं हुई थी, तो यहाँ पे बहुत कम ही लोग आते थे। और जो आता था ना मतलब वो अपने आप को वो रहता है ना एक इस टाइप का कि मतलब जैसे कहना चाहिए कि एक एज टीन एज में कैसा होता ना कि जो ऐसा चले जाए तो वो एक तो जो ऐसा रहता है ना इस एरिया में, मेरा एक्चुअली में इंडिकेटर जल रहा था एक साइड का, आई डोंट नो मुझे याद नहीं रहा। तो ये देख सकते हो आप पहले यहाँ का एरिया, तो पहले यहाँ सीमेंट रोड नहीं थी और ये पूरा खाली एरिया था। तो टीन एज में ऐसा होता है ना जो ऐसी रोडों में रात में चले जाए या शाम को चले जाए और आके बताते हैं भाई हमने चले गए, आप व्यू देख सकते हो यार कितना प्यारा है, तो काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। तो ऐसे करके यार मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस होते गया ये रोड, और इसका नाम फिर धीरे धीरे डेंजर रोड पड़ गया क्योंकि कोई आता था नहीं इस कारण से। और अभी तो रोड बन गई तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया है। बट ये बाईपास है गोंदिया का, मतलब गोंदिया के लिए अगर जाना हो तो यहाँ से बाईपास रोड निकल जाती है। और एक और R15 साथ में चल रही है। अब तो हालांकि इतना डेवलप हो गया कि यहाँ से बड़े बड़े वहाँ मतलब जितने फोर व्हीलर होते हैं ट्रक होते हैं तो इनका सबका बाईपास का रूट यहीं से निकाल दिया है, तो अभी ये रोड काफ़ी चलती है। हालांकि आप लोग रात में इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे अभी एक भी लाइट के पोल्स नहीं है, तो रात में यहाँ पे कैसा व्यू होता होगा, मतलब यार पूरा अंधेरा होता है। और पहले का टाइम ऐसा तो नहीं है कि जब इतना कुछ डेवलप भी नहीं हुआ था तो लोगों को थोड़ा सा एक डर रहता था क्योंकि ना इतना CCTV कैमरेज ना कुछ, पहले इतना डेवलप नहीं था तो लोगों को आने में शायद थोड़ा सा एक डर लगता था, थोड़ा एक हेजिटेशन रहता होगा। और देखो आप यार मतलब सिर्फ व्यू के मजे लो आप। तो चलिए थोड़ा सा भगाते हैं गाड़ी को, और आई होप तेज़ गाड़ी में भी आपको आवाज़ अच्छी आ रही होगी, इस कारण से मैंने रोड का माइक लिया हूँ। बाकी तो ये वीडियो जब डलेगा तो समझ ही आ जाएगा कि वॉइस क्वालिटी कैसी है। हालांकि मैं ना यार ज़्यादा तेज़ बाइक राइडिंग करने में बिलीव नहीं करता हूँ, अपने लिमिट से करें। और साइड में आप लोग देख सकते हैं ना पूरा वैनगंगा नदी जा रही है पूरी, और ये काफ़ी दूर तक आई थिंक ये जो रोड जाएगी ना काफ़ी पूरा, तो ये पूरा आपको वैनगंगा नदी आगे तक मिलेगी, काफ़ी बड़ी नदी है। हाँ तो मैं बता दें मैं ना तेज़ गाड़ी चलाने में बिलीव नहीं करता हूँ क्योंकि मतलब चलाओ अगर खाली रोड है तो कोई इशू नहीं है, बट ऐसा नहीं कि अगर मैं भलते ही कि अपने शहर में चला रहा हूँ या कहीं चला रहा हूँ तेज़। कई लोग रहते हैं यार मैं जैसे हेलमेट वेलमेट लगा के निकलता हूँ ना तो आजू बाजू से निकल जाते हैं काफ़ी तेज़, ऐसे मतलब शो ऑफ करने के लिए, आई डोंट नो क्या बताने के लिए, तो वो सही नहीं। एक तो आपने कोई प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करते उसे, अब इतना तेज़ घूम रहे हो फिर से, एक और हेलमेट वाला भाई आज तो रिकॉर्ड ही टूट गया यार, आज इनको पता चल गया लगता है कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ यूट्यूब में वीडियो डालने के लिए, तो आज आप देख सकते हो कि मतलब क्या है हाल। और ये आ गई है ऑफ रोड, ये कुछ दिन पहले नहीं थी। ओ भाई साहब, ओ भाई, ओ भाई, चल मेरी बटरफ्लाई। ओ तो ऐसा कुछ है व्यू, और सामने ट्रक जा रहा है उसको जान दो यार, काफी ज्यादा धूल उड़ा रहा है ऑफ रोड में ऐसे भी। यहाँ पे ऑफ रोडिंग भी हो गई भाई अपनी अच्छी खासी। भाई ये पीछे ही नहीं छोड़ रहा है यार, पाउडर लगा के ही मानेगा ये अपने चेहरे में, पता है अपने चेहरे में मतलब अपने कैमरे के चेहरे में यार, लेंस में इसको ओवरटेक करते हैं। ये कुछ रोड बच गई, आई डोंट नो क्यों छोड़े इस रोड को, अगर ये रोड पूरी बन जाएगी ना यार तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। अब आप खुद सोचो यार कि मतलब ये तो अभी रोड बन गई है ना बस बाकी, और काफ़ी लोग अभी दिख रहे हैं इस टाइम पे, बट आज से ना 10-15 साल पहले इतना ज़्यादा यहाँ पे रश नहीं होता था यार, मतलब बहुत कमी। एक तो ये रोड, एक तो डेंजर रोड बोल के रोड को इतना ज़्यादा वो कर दिए थे लोगों के बीच में। और पहले क्या था ना यार मतलब कोई भी बातें ना ऐसी आग की तरह फैल जाती थी, शहर छोटा है तो डेंजर रोड बोल के इतना ज़्यादा कर दिए थे कि लोगों के मन में मतलब हम लोगों के टीनेजर के मन में तो मतलब एक डर सा बैठ गया था कि क्या होता है यार डेंजर रोड। पीछे ख़त्म हो गई है, मैं आगे चल रहा हूँ सीधे, अपन निकलेंगे गोंदिया बाईपास से। सो देखते हैं कहाँ से निकलती है अपनी गाड़ी। फिलहाल इस रोड में मैं काफ़ी कम आया हूँ,
तो मैं बता रहा था आपको डेंजर रोड के बारे में। तो डेंजर रोड में यार मेरा एक्सपीरियंस कैसा था ना कि जब मैं मतलब डेंजर रोड में फर्स्ट टाइम आया था तो भैया लोगों के साथ में आया था और हम लोगों की पूरा क्रिकेट का ग्रुप था, तो काफ़ी लोग रहते थे, क्रिकेट खेलते थे हम लोग, तो उनमें से हम लोगों का ऐसा कुछ ग्रुप बन गया था, तो हम लोग साथ में ही घूमना फिरना इस टाइप का करते थे। तो जब हम लोग डेंजर रोड आए थे तो कार से आए थे फर्स्ट टाइम में हम लोग, और एक भैया उतर गए वॉशरूम बाथरूम जाने के लिए, और हम लोगों ने क्या करे, फिर भैया जो गाड़ी चला रहे थे उनने गाड़ी सीधा आगे निकाल के लेके चले गए। अब भाई जब मैंने पीछे पलट के देखे हम लोगों ने तो पूरा अंधेरा, वो बंदा यार लेकिन डरा नहीं। फिर उसको 5 मिनट बाद हम लोगों ने वापस से पिक करे, तो वो जो एक था ना व्यू देखो यार डेंजर रोड के पास का, ये नदी पूरी जाती है आगे तक। मैं यही चाह रहा था कि आपको ये व्यू दिखाऊँ ना, इसलिए मैं आ रहा था। और ये पूरा गाँव एरिया है, मतलब ये गायखुरी के आगे निकल गए हम लोग। गाड़ी में फ्यूल तो है पूरा ऊपर तक लबालब, इसलिए अपन जा रहे जहाँ तक चले जाए। आप लोगों को जितना ज़्यादा दिखा सके उतना अच्छा। यार मैं चाहता था, मेरा शुरू से यह था कि मैं मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ तो पहले मैं अपने शहर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा दिखाऊँ, बाद में मैं बाहर जाऊँ, वो तो हालांकि हो गई बाहर जाने का, बट ये दिखाऊँ। माउंटेन्स भी दिख रहे होंगे यहाँ से आपको, इसमें तो जूम नहीं होता, हालांकि गोप्रो में अगर होता तो आपको दिखाता मैं। यहाँ से एक माउंटेन का भी व्यू दिख रहा है, काफ़ी अच्छा व्यू है। तो खाली रोड थी तो थोड़ा सा अपन ने दम मार दिए एक्सीलेटर पर, निकल चले। एक्चुअली मैं बालाघाट में प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊं, मैं सबके लिए नहीं बोलूंगा, बट बालाघाट में ना कुछ लोग ऐसे चलाते हैं ना, तो उनकी सेफ्टी भी अपने हाथों में रहती है और अपनी सेफ्टी तो अपने हाथों में रहती है, क्योंकि यार वो ना कभी कभी ऐसे घुस जाएंगे ना रॉन्ग साइड में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उससे अपने को, क्योंकि उन लोग पीछे तो देखते नहीं है। अरे ये इन लोग कैसे रॉन्ग साइड आ रहे हैं यार। और ये मंडी, अनाज मंडी बालाघाट की, यहाँ भी मैं आया हूँ काफ़ी जब छोटा था। तो ये देख सकते हो आप, ये कृषि उपज मंडी समिति बालाघाट। और अभी तो यार 2-3 दिन पहले बरसात भी काफ़ी हुई थी, हालांकि रुक गया था बरसात, फिर हुई थी तो उस कारण से ग्रीनरी काफ़ी हो गई। किस रोड साइड से है, चलो इधर चलते हैं। ये गोंदिया रोड जाएगी क्या, गोंदिया रोड ये निकलेगी, ये कहाँ निकलेगी, ये पास में, और ये मेरे को तो गोंदिया रोड में निकलना है। हाँ वहां से वापस उधर बालाघाट साइड, और यहाँ पे अपनी भैंसे चर भी रही है, घूम भी रही है। गांव में यही फायदा है यार, आजू बाजू इतनी जगह खाली होती है कि सब मिल जाता है। और हमारे भाई सरदार पटेल के स्टूडेंट्स है, व्लॉगिंग कर रहा हूँ। देखो ना यार रोड, ये अगर ये रोड पूरी प्लेन होती ना तो क्या मजा आ जाता। हालांकि रोड अभी नई बनी होगी, आई डोंट नो कितना टाइम हो गया, पर रोड खराब हो गई है। बाईपास बन गया तो पूरे बड़े व्हीकल्स यहीं से जाते हैं, इस कारण से रोड खराब हो जाती है। बाकी भाई कितनी शांति है यार, मतलब एकदम जन्नत है आजू बाजू का माहौल, और ये छोटा सा तालाब अच्छा लग रहा है ये भी। चलो थोड़ा ऑफ रोड डालते हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ। और भैंसे नहा भी रही है यहाँ पे, और भैया नहला रहे हैं भैंसों को, देख रहे हो आप लोग सही जिंदगी। वो भाई कब्र बनी है यार यहाँ तो, ये तो मैंने देखा ही नहीं था भाई। ये ट्रेन की पटरी, और ये हमारे शहर का छोटा सा ओवरब्रिज बना हुआ है। शिट यार, भाई अगर यहाँ पैर पड़ गए तो समझो जूते गए। यार ये जो रोड निकली है ना, ये निकली सरेखा कोसमी, नवेगांव लिंगा साइड निकले शायद अपन। हाँ इधर नवेगांव लिंगा है। तो बात करूँ ना अगर मैं यहाँ 5 साल पहले की, तो 5 से 7 साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं हुआ करता था। शहर इतनी तेज़ी से डेवलप हुआ है ना यार, इतनी तेज़ी से डेवलप हुआ है कि जिसकी हद नहीं। और आउटर्स तो मतलब शहर के भाई साहब पूरे भर चुके हैं। और यार अभी यहाँ पे ना मतलब ओवरब्रिज का काम स्टार्ट हो गया है, तो बहुत जल्द यहाँ पे ओवरब्रिज बन जाएगा, क्योंकि ये जो ट्रैफिक आप लोग देख रहे हैं ना इतना सारा, और जब ट्रेन की क्रॉसिंग होती है जब फाटक बंद हो जाता है ना, तो फिर तो यहाँ पे जो जाम लगता है ना आधे आधे पौन पौन एक एक घंटे का, तो उस कारण से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और हर डेढ़ घंटे में एक ना एक ट्रेन यहाँ से निकलती है, तो उस कारण से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाता है। अगर आप इधर जा रहे हैं और वहाँ से वापस उधर जा रहे हैं, तो आपको समझ लो कि एक ना एक बार यहाँ पर अटकना ही है। तो इस कारण से भी काम चालू हुआ है, बट मुझे नहीं लगता कि 2 साल के पहले चालू होगा, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, तो 2 साल तो ऑलमोस्ट लग जाएंगे।
और इधर है अपना रेलवे स्टेशन। तो अभी ये बालाघाट के डेंजर रोड के साइड से अपन ने आउटर घूम के पूरा कवर करके अभी अपन अब शहर के अंदर एंट्री ले ली है गोंदिया रोड साइड से। सबके अलग अलग साइड से धीरे धीरे व्लॉग्स डलते रहेंगे तो आप लोगों को पता चलते रहेगा। तो आ गए अपन अपने शहर में भाई, और आज तो रिकॉर्डेड उड़ गया भाई एक और हेलमेट वाला बंदा। ये देखो बाजू में भी एक जा रहा है, मतलब कैसे। अरे भाई एक और हेलमेट वाला आज हो क्या रहा है भाई, इनको कहाँ से पता चल गया यार कि मैं आज व्लॉग शूट कर रहा हूँ। नहीं तो भाई मैं तो तरस जाता हूँ, बता रहे अपन ही जोकर जैसे घूम रहे हेलमेट लगा के शहर में। ओह एक और एक और हेलमेट, आज का क्या टाइटल ही हेलमेट रख दूँ क्या मैं यार, मतलब इतने हेलमेट पहने हुए बंदे दिख रहे हैं शहर में ना, मतलब रिकॉर्ड टूट गया। मैंने तो इतना ही नहीं देखा यार, क्योंकि मैं निकलता था तो मैं सोचता था यार अपन ही हेलमेट लगा के निकल रहे हैं, घूम रहे जोकर टाइप लग रहे हैं। हालांकि अपन अपने प्रोटेक्शन के लिए घूम रहे थे, बट ठीक है। ये आ गए अपन हनुमान चौक में, ये अपना हनुमान चौक है, काफ़ी बिजी चौक है। और हालांकि अभी सब त्यौहार आ रहे तो काफ़ी रश होगा जय बजरंग बली। ये आ गया अपना मॉल श्याम मॉल, अभी कुछ टाइम पहले ये भी ओपन हुआ है यार, पहले ये एकदम छोटा सा थिएटर हुआ करता था बालाघाट का, सब यहीं आते थे पिक्चर देखने के लिए आज से 4-5 साल पहले। और 2 साल तो काम ही रुका रहा इसका, 2-4 साल कंस्ट्रक्शन के कारण, कंस्ट्रक्शन में शायद कुछ इशू आ गया था उसके कारण से, और उसके बाद कोरोना लग गया तो काफ़ी टाइम से इंतजार था इसका खुलने का, बट ये अब जाके खुला है। इसको ऑलमोस्ट खुले अभी 1 साल होते आ गए, और ये आ गया अपन सराफा बाज़ार। यहाँ पे पूरी ज्वेलरी की शॉप है बालाघाट की, ऑलमोस्ट सब कुछ, थोड़ी यहाँ है और थोड़ी आगे में। ये सराफा बाज़ार काफ़ी फेमस है, और ये लीजिए मैं आपको एक मिनट दिखा दूँ, यहाँ पर बैठे हैं हमारे बालाघाट के राजा, पे चल रहा है यज्ञ। और ये बालाघाट की सबसे बड़ी मूर्ति है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे बड़ी मूर्ति यहाँ की है, और अभी चल रहा है यज्ञ। तो चलो फिर यहाँ से चलते हैं, अपन एक दिन यहाँ पे भी आएंगे व्लॉग शूट करने, जिस दिन गणेश जी का विसर्जन होगा ना उस दिन यहाँ पर आएंगे यार, क्योंकि ये जो जुलूस निकलता है ना, मतलब बालाघाट के राजा का काफ़ी बड़ा जुलूस निकलता है। और यार मेरे शहर के बारे में आप कमेंट करके बताना यार, बहुत प्यारा शहर है यार, आप देख सकते हो जैसे कि यार मतलब कितनी रौनक है पूरा। और यहाँ से भी भाई आपको पूरी ज्वेलरी की शॉप दिखेंगी, बर्तन की और ज्वेलरीज की, ज्वेलरी की शॉप ज़्यादा है वैसे यहाँ पे, धर्म ज्वेलर्स। और तो यार जो मेरे शहर के लोग जो ये व्लॉग देख रहे हैं, मेरे को कमेंट करके बताना कि और कौन सी रोड अपने को कवर करनी है, तो मैं बिल्कुल बहुत जल्द कवर करूँगा वो रोड को भी। और यहाँ से अपन आ गए अपने घर के काफ़ी पास, तो यहाँ से अपन ले लेते हैं टर्न, और आ गए अपन घर के काफ़ी पास। एक्चुअली में हेलमेट लगा लो ना तो जो अपने जान पहचान के लोग हैं ना वो भी अपने को नहीं पहचान पाते, पता है हेलमेट लगाने का फ़ायदा ही है। और यहाँ से अपन चलते हैं अपने घर की तरफ। सो गाइस कमेंट करके बताना है व्लॉग कैसा लगा, फर्स्ट मोटर व्लॉग था, और आगे आप लोगों को काफ़ी और अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ से आगे है अपना घर, सो फाइनली गाइस पहुँच गए पर अपने घर में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कर दो यार भाई का व्लॉग है, आगे और भी अच्छी अच्छी मोटर व्लॉगिंग देखने के लिए मिलेगी।